गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नाया हो इसलिए ऐसा लग रहा हो। देखो गर्मा गर्म पानी से इतने ठंड में नाया हो। अभी यहाँ पे होगा हमारा ब्रेकफास्ट। क्या? हाँ अंडा कर दो बस। ये होगा ब्रेकफास्ट हमारा और ये है यहाँ इनका किचन। किचन देखो कितना भारी भरकम किचन है। मतलब इतने सारे गैस यहाँ पे लगे हुए और प्रॉपर तरीके से एकदम। आप यहाँ पे आके जो चाहिए वो भी बना सकते हो। ये पूरा क्लीन एंड नीट है। तो अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। हेलो हेलो, नो रिस्पॉन्स। और गाड़ी का बोनट खोल के रखा है सूरज की तरफ। एक बार चक्कर लगा के दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा था रात में सीन यहाँ पे। एक्चुअली इन्होंने बोनट पे भी ढकने के लिए कंबल दिया था और ये इस तरह से कुछ इंजन का है बे। और थोड़ा सा यहाँ से कूलेंट लीक हुआ है क्लाइमेट की वजह से। बस कोई पाइप ना फटा हो। अरे भाई आ करके पूरा चेक करके गया है। नीचे पूरा बर्फ है लगा हुआ। इनके ग्राउंड में भी पूरा बर्फ है, प्लॉट में भी पूरा बर्फ भरा हुआ है। चलो भाई पहले नाश्ता करते हैं और निकलते हैं फटाफट। मेरे जूते अभी तक सूखे नहीं है। सूख जा ना जूते ना सॉक्स। पिछले एक घंटे से कोशिश चल रही है गाड़ी स्टार्ट करने की। गर्म पानी डाल के देख लिया और ये आग भी जला के देख ली उसके नीचे, फिर भी अभी तक नहीं हो पा रही है। चलो तो फाइनली गाड़ी अपने स्टार्ट हो चुकी है। बस यही सीन होता है डीजल गाड़ी का कि डीजल जो है ना वो जम जाता है, इसलिए ठंड में पेट्रोल गाड़ी जो होती है ना इस एरिया में बहुत डिमांड होती है। डीजल गाड़ी ज़्यादा कारगर नहीं होती है, डीजल जम जाता है इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो पाती जल्दी। अभी हो गई है स्टार्ट तो अभी निकलेंगे यहाँ से फटाफट। ले बाय, थैंक यू। पदुम के पेट्रोल पंप पे डीजल है 88.84। ये कुछ इस तरह से सारी जगह पे ये है, बर्फ ही बर्फ है। गाड़ी ने स्टार्ट होने में टाइम तो लिया बट फाइनली स्टार्ट हो गई और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे लोग सीधा कारगिल की तरफ और देखते हैं रास्ते में कैसा नज़ारा मिलता है और क्या क्या और दिक्कतें झेलनी पड़ती है। होप करते हैं आज का दिन अच्छा हो और देखते आपको भी दिखाते हैं। अभी मैं ड्राइविंग करूँगा और एक बात आपको दिखानी है। ये देखो ये पानी का बोतल पूरा जम गया है। अरे यार पानी की टेंशन हो जाएंगी आप पीने की। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से अभी भी कारगिल है कुछ 250 किलोमीटर और थोड़ा मैं चलाऊंगा थोड़ा हरीभाई चलाएंगे क्योंकि वो दो दिन से लगातार चला रहे हैं। तो अब मेरी बारी है, मैं चलाऊंगा। पहाड़ों में इतना बड़ा हाथी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा रिस्क नहीं ले रहा था। तो अभी आराम आराम से चलेंगे। अभी आ गया है टेम्परेचर नॉर्मल पे, डीजल भी फुल है तो अभी कोई टेंशन नहीं है, निकलते हैं। लेट्स गो। तो ये जैसे यहाँ पे पूरा बर्फ वाला सीन था। हाँ बोला नहीं हमसे ना हो पाई। अरे भाई को बोला आप ही चलाओ। ये एक तो आदत नहीं है ना, जिसको पता नहीं है बर्फ में गाड़ी कैसे चलाना है उसने रिस्क लेना ही नहीं है। तो टेंशन नहीं है। अच्छा जहाँ हम फंसे थे वहाँ गाड़ी नहीं निकली थी कोई। आ गई आराम से। हाँ बस आपको ना फ्री छोड़ देना है बर्फ में गाड़ी को। ये नहीं करना है कि ब्रेक ले लो या फिर रोक दो, जाएगी अपने अकॉर्डिंग। ये देखो अभी फिर से यहाँ पे और बर्फ है। ऑफरोड क्या बर्फ जमी पड़ी है पूरा ऊपर। स्नो ड्राइविंग है पूरी अपनी। ये नदी देखो ये पूरी जम चुकी है ऊपर में, उसके पूरे ग्लास जम चुकी है। सारे के सारे पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है और बर्फ देखो यार क्या भाई साहब
स्कूल है, स्कूल में इतनी सुबह सुबह ठंड में बच्चे आके रखे, क्या यार। ये गए हरी भाई उधर चेक पोस्ट पे एंट्री कराने, क्योंकि कितनी गाड़ी जा रही है, कितनी आ रही है, वो सारी डिटेल उनको रखना पड़ता है। अब बहुत हो गया भाजी, चलो यार यहाँ से निकालो जल्दी, ये बहुत खतरनाक है। एक तो ठंड रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये बर्फ है कि बढ़े जा रही है। धूप है फिर भी बर्फ तो है ना, तो बर्फ निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले तो भी थोड़ा थोड़ा था, अभी तो पूरे रास्ते पे बर्फ आ गई है। श्रीनगर के बाद खत्म होगी, श्रीनगर तक ऐसे ही मतलब। अरे यार, एक तो और बर्फ में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो मैंने फिर से उनको दे दिया गाड़ी, वो चला रहे हैं और मुझे साइड में बैठ के नहीं आ रही है नींद आराम से। इतनी खतरनाक बर्फ मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी, एक बार देखी थी सोनमर्ग में, थोड़ी सी बर्फ थी बस। हाँ भाई, वो ट्रेलर उसके बाद तो कभी बर्फ देखी नहीं है। और अभी पूरी पिक्चर देखनी है तो एक महीना बाद आना। अरे घोड़ा, हाँ हाँ हाँ, चल घोड़े पे चले, क्या बात है, ये चले। सही है, ये देखो ये भी घोड़ा है, पकड़े बाजी, दो दो घोड़े मास घोड़े। अरे नहीं, ये तो ये जंगली वाले, जंगली वाले घोड़े। और यहाँ पे ओवरटेक करेंगे अभी, अरे भाई के स्टाइल में। ओ रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया, थैंक यू भाई थैंक यू। बहुत कोऑपरेटिव लोग है, बढ़िया क्या है ना, पेंसिला रेस्टोरेंट एंड अब्रन क्या डीएसके कुछ है, बट वो भी बंद है, मतलब जाए जाने के लिए भी रास्ता नहीं रखा है वहाँ पे। इतना खतरनाक है, सब सब बंद कर दिया है। ये सीजन के लास्ट टूरिस्ट होंगे हम यहाँ पे आने वाले, वो भी पागल, क्या टाइम देखा नहीं कुछ नहीं, निकल पड़े हम लोग बस। इस बार ना गाड़ी ने बहुत जबरदस्त साथ दिया, इस बार क्या मतलब फर्स्ट टाइम लेके आए इसको इस साइड में, वो भी बोलती होगी अरे चलो मुझे भी लेके चलो घर पे, ये कहाँ लेके आए, वो उसका पूरा जितना भी पावर है पूरा दे रही है। मज़ा आ रहा है ड्राइविंग में भी, मज़ा आ रहा है। ये यहाँ पे जो ड्राइविंग का स्किल है ना वो अलग वाला चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए उसके लिए, आराम आराम से कहाँ से कैसे जाना है, रास्ते पे नज़र रखनी होती है, मतलब हर एक पल आपको रास्ते पे नज़र रखनी पड़ती है, कौन सा बर्फ है और कौन सा स्नो है, इसमें फर्क करना पड़ता है और उस हिसाब से गाड़ी चलानी होती है। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, सिखा रहा हूँ मैं इनको वैसे। क्या है ना, ये मारेंगे ना इतनी ठंड में मैं टूट जाऊंगा डायरेक्ट इसलिए इससे पंगा भी नहीं ले जाओ मेरे को। तो अभी यहाँ पे आए हैं, देखो पूरा स्नो है और यहाँ पे मेरे पाँव जो है ना वो भी फिसल रहे हैं, तो गाड़ी कैसे चलेगी पता नहीं, बट हरी भाई चला तो रहे, मैं एक काम करता हूँ, नहीं भाई इधर से ही जाऊँगा। चलो चलो चलो, देखो ऐसे ट्रक निकल रहा है, इतनी सी जगह है, बीआरओ ऑन ड्यूटी है। हाय भाई साहब, यहाँ पे नजर भी नहीं टिक रही है, आंख एकदम ऐसी ऐसी चिमचिमिचिमिचिमिचिमिची हो रही है। अब यहाँ उड़ेगा अपना ड्रोन, देखते हैं ये कैसे चलता है। यहाँ पे शुरू हो गया भाई ये। गजब गजब, बहुत सही, वाह। ये उड़ रहा है ड्रोन अपना इधर से उधर इधर से उधर, और ये मस्त नजारा। ओए भाई क्या कर रहा है, वाह गजब गजब गजब, मजा आ गया यार। तो अभी जो है हम पहाड़ों पे चलना शुरू कर दिया है, और पहाड़ों पे मतलब बहुत रिस्की है, सफारी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है पहाड़ों पे, बट सफारी से अच्छा परफॉर्मेंस है सफारी चलाने वाले का
क्योंकि ये अगर ठीक से नहीं जानते ना इसको चलाना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। गाड़ी कोई भी हो बट चलाने वाला अच्छा हो तो कोई भी गाड़ी लेके जा सकता है। और नीचे देखो पूरी स्नो है, पूरी स्नो नीचे के रास्ते पे ना, रास्ते पे बीच में भी स्नो थी, तो वहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था, गाड़ी खिसक रही थी पीछे। बट यहाँ पे मिट्टी है और कीचड़ है तो इतना कोई टेंशन नहीं है। ये रास्ता हमें जल्द से जल्द क्रॉस करना है क्योंकि हमें आगे पहुंचना है कारगिल तक। हम आज का टारगेट लेके चले, मिनिमम कारगिल तक तो हमें पहुंचना ही है, पहुंचना। और आगे अगर रास्ता खुला रहा तो हम लोग आगे भी निकल जाएंगे, रात में ड्राइव करेंगे और निकल जाएंगे। ये पहाड़ों में चला ले तो मैं प्लेन रोड पे मैं भगा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बट अब बस हो गया यार स्नो, एक तो पैर गीले है, ठंड है, और इतना ज्यादा स्नो देख लिया ना अभी, सपने पूरे हो गए पूरे हमारे। देखो स्नो इतनी ज्यादा है कि ये ऊपर से आने वाला पानी भी ओए भाई साहब ऐसे जम जाता है। अरे बाप रे, कुछ भी नहीं है ना, एक पेड़ दिखेगा ना, एक आदमी ना, कुत्ता ना, कुछ है, बस सिर्फ बर्फ बर्फ और बर्फ, जहां देखो वहां बर्फ है। और यहाँ पे भी थोड़ा रिस्की है, पहाड़ों से ऊपर से ना ये पत्थर आते रहते हैं, तो ये शूटिंग स्टोन बोलते हैं इनको। बहुत सी जगह पे लिखा भी होता है कि शूटिंग स्टोन एरिया करके, तो वहाँ पे और ज्यादा सेफ चलना होता है क्योंकि अगर एक भी पत्थर, छोटा भी पत्थर अगर नीचे आके गया ना गाड़ी पे, तो वो गोली की स्पीड से आता है। ये देखो ये बहुत बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है क्योंकि ये रास्ता बहुत छोटा है और बहुत रिस्की है चलाना। देखो ये ऐसे हेयर पिन बेंड है, और ऐसे हेयर पिन बेंड पे गाड़ी चलाना मतलब बहुत बहुत उसके लिए ये चाहिए, टैलेंट चाहिए और पेशेंस चाहिए, काबिलियत चाहिए। ये देखो अब इस साइड से आ गया पूरा बर्फ, देख सकते हो पूरी लाइन जो है पूरी बर्फ में ही है, रास्ता पूरा बर्फ का ही दिख रहा है। हाय 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 हाय, मजा आ गया। अभी और एक थोड़ा हेयर पिन बेंड आ रहा है, संभल के हरी भाई, ये रास्ता बहुत संकरा है, छोटा सा है, एक गाड़ी जैसे तैसे पास हो रही है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है ना ऐसे, हाँ तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये बात अच्छी है कि यहाँ पे नहीं है बर्फ, है ना, रास्ते पे पिघल गई है यहाँ की, या बर्फ होती तो फिर बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे, बर्फ होती तो फोर व्हीलर रास्ता कोई छोड़ते ही दिक्कत। नहीं। हाँ हम लोग रुक चुके हैं क्योंकि वहां से सामने से एक ट्रक पास होने वाला है, क्योंकि उसको साइड देना पड़ेगा, इसलिए हमें ये साइड में रुकना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्लेन रास्ते पे चले गए ना, ये पूरा है ना स्नो है, मतलब ब्लैक आइस है, ये यहाँ से ना गाड़ी फिसल रही है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ा है। और यहाँ पे भी जमीन है इसलिए हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे रुक दी है। और सबसे बड़ी मुश्किल अभी ये हो रही है कि खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, हमें खाना है और पीना भी है। पीने के लिए पानी तो है बट जमा हुआ है, ये देखो इसमें से इतना सा पानी आ रहा है जमा हुआ। अभी एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले बाहर धूप में रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर पिघल जाए तो पिघल जा रहा, हमारी सारी की सारी बोतलें जो है वो जम चुकी है। देखते हैं ये काम करेगा तो शायद मिल जाए पानी पीने के लिए। सब ये धूप में थोड़ी देर रखता हूँ इसको, ऐसे ये पानी की बोतल बाजी, पानी नहीं है ना, प्यास लग रही है। देखो पूरा बर्फ ही बर्फ है यार, जहाँ देखो वहाँ बर्फ, क्या यार इतना स्नो। ये धूप में रखने वाला जुगाड़ थोड़ा तो काम कर रहा है। हाँ, लग खुल गया, अभी ये मेल्ट हो जाए बस। इतना ठंडा पानी पीने का हिम्मत किस में है रे बाबा, है बाबा इतना ठंडा पानी पीने का क्या रे बाबा। हो गया ये जुगाड़ कंप्लीट, हाँ एटलीस्ट वो बड़ा सा जो था जमा वो तो निकल गया। यहाँ से कुछ है क्या लीक हो रहा है क्या? नहीं नहीं ना, धुआं से देख रहा हूँ ऐसे चेक करना जरूरी है बीच बीच। हाँ वो तो है, पानी फिर से जमने लगा है, पता नहीं यहाँ पे अब कब तक रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे जो है वो जाम
निकल नहीं रहा है, वो गाड़ियाँ फंसी की फंसी है। ये बड़े मुसीबत में फंस गए आज फिर से। मुझे लगा था आज तो आराम से चले जाएंगे, बट ये जो रास्ता है, ये रास्ता और ये जो गाड़ियाँ है, ये मुश्किल में फंस गए। आज ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, ऐसे पानी पी के कौन जिंदा रहेगा भाई, मुश्किल है। चलो ये वीडियो यही एंड कर देता हूँ, देखते सर्वाइव कर गए तो बच गए तो दिखाएंगे आगे, नहीं तो आज शायद यही पे टेंट लगाएंगे, नहीं तो गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। क्या होता है बताते हैं, अपडेट देते रहेंगे। वीडियो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।